बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकंड ईयर में है, ध्यान से देख लेना, जो भी छात्र बीए सेकंड ईयर में है, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर है और ये आपका 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। आप जितने भी छात्र नकल लेके जा रहे हो मत लेके जाओ, आपको पता है अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा केस हुआ है, ठीक है, उस बच्चे के साथ में, तो आप वैसा नहीं कर रहा है। कोई भी छात्र नकल लेके जा रहा है तो नकल लेके नहीं जाएगा। आज के बाद जो क्वेश्चन दे रहा हूं वही पढ़ के जाना और पेपर में वही छप रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। अभी आपने वीडियो देख लेना, अभी हाल ही में वीडियो अपलोड की है, ठीक है, वो हाल ही में मैंने वीडियो अपलोड किया, देख लेना सभी लोग, ठीक है। अब यहां देखिए आप लोग, यहां बोला गया 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। यहां है नेशनल इनकम एनालिसिस के बारे में एंड मनी, यहां कह रहा है मनी एंड बेसिक के बारे में बोला गया है, पेपर का नाम हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए 2022 की बात करने वाला हूं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपको बस इतना देखना है कि आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी है मार्केट से, क्वेश्चन बैंक सीरीज वगैरह जो मार्केट से लेके आए हो उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में जो जो क्वेश्चन मैं आपको यहां बोल रहा हूं उस क्वेश्चन पे अपने बुक में टिक लगा लेना है और टिक लगाने के बाद में सिर्फ वही पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना है, समझ रहे? चलो ओपन कर लीजिए फटाफट और यहां टिक लगाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन पे आप सभी लोग लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है राष्ट्रीय आय। देखिए राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा के बारे में आपको देखना है। यहां है समाकलना, देखो यहां कह रहा है आपको संकल्पना करनी है, उसका वर्णन करना है संकल्पना का। और एक थे मार्शल, पिंगू और फिशर, आप देख रहे हैं मार्शल, पिंगू और फिशर, ये तीन एक कह सकते हैं शास्त्री थे, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है और वो भी राष्ट्रीय आय का लेखांकन को समझाइए। मतलब कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन क्या होता है आपको ये बताना है, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आप टिक लगा लीजिए कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन के बारे में और कह सकते हैं संकल्पनाओं का वर्णन और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय की संकल्पना क्या होती है, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप टच करेंगे आय के चक्रीय प्रभाव, मतलब कि आय के चक्रीय इफेक्ट क्या होते हैं वो आप देखेंगे। यहां है किंस के, यहां बोला गया रोजगार सिद्धांत, देखो यहां जो किंस का रोजगार सिद्धांत था वो क्या है, आप अपना टिक लगाइए। जो जो क्वेश्चन मिल रहा है वो टिक लगाना है, जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में यही छपेगा, समझ रहे ना, बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूं बार बार, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां देखिए क्या बोला गया, यहां है व्यापार, देखो यहां बोला गया व्यापार चक्र को समझाइए, जो व्यापार चक्र होता है उसका होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, व्यापार चक्र का सिद्धांत को पढ़ लेना है और मुद्रा के परिमाण, मुद्रा के कह सकते हैं परिणाम क्या होते हैं, सॉरी मुद्रा के परिणाम क्या होते हैं, परिणामों को याद कर लेना है। यहां बोला गया है मुद्रा प्रसार क्या होता है, मुद्रा संकुचन क्या होता है, उनके कारण और उपाय के बारे में याद करिए। देखिए मुद्रा के परिणाम, परिमाण क्या होता है, मुद्रा के परिमाण को देखना है, प्रसार को देखना है और संकुचन को देखना है, ये मुद्रा के अंदर ही क्वेश्चन बनते हैं, इस क्वेश्चन को टिक लगाइए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये क्वेश्चन, ये वक्र है उसका निर्माण बैंक, ये बैंक वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बैंक किस प्रकार का, देखिए किस प्रकार शाख का निर्माण करती है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को टिक लगाइए अपने बुक पे, बैंक किस प्रकार शाख का निर्माण करती है आपको बताना है, ठीक है। और जो है देखो फ्लिप चक्र क्या है होता है, इसका शाख निर्माण आपको वर्णन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या होते हैं और साधारण बैंक के कार्य क्या होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के और साधारण बैंक के, इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद में यहां बोला गया है देखो क्रय शक्ति समता सिद्धांत की व्याख्या और उसकी आलोचना कर देनी है, तो क्रय शक्ति समता जो सिद्धांत है उसको अच्छी तरीके से देखना है, याद करना है और उसकी आलोचना को भी साथ में पढ़ना है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर हम आपको अपलोड कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पेपर हैकर पर। और आपने अभी तक हमारे अलौदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे कि खिलाड़ी भाई एक्स वाई जेड, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, और एक्स वाई जेड जितने भी हमारे चैनल है उसका सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जैसे बी ए वाई पेपर हैकर, बी कॉम वाई पेपर हैकर, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, आप जाइए। और हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो paperhacker.in पर जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन यहां देखो लिंक दिखाई देता होगा, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में paperhacker.in, उस पर टच करने के बाद में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। यहां देखिए यहां बोला गया भारतीय विश्व, यहां बोला है भारतीय विश्व बैंक से किस सीमा तक लाभान्वितियों हुआ है आपको ये बताना है, साथ ही साथ विश्व बैंक की कार्य क्या होते हैं, सफलताएं और उसकी आलोचना को याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को टिक लगाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए
यह है विनियम नियंत्रण क्या होता है, इसको देखिए, सॉरी यहां बोलेंगे विनिमय नियंत्रण क्या होता है, उसके उद्देश्यों के बारे में याद कर लेंगे। कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन जिसे हम जीएनपी बोलते हैं, और एक होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एक होता है कुल राष्ट्रीय उत्पाद, एक होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसे हम एनएनपी बोलते हैं और इसे जीएनपी बोलते हैं। दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में देखो नीचे, यहां देखो मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मुद्रा का चलन वेग क्या होता है, बैंक की परिभाषा, बैंक की परिभाषा को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग जो जनित, जो मांग जनित होता है और लाभ कह सकते हैं लागत जनित स्फूर्ति होती है, उसमें आपको अंतर पूछता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन याद करके जाएंगे। आधुनिक व्यापारिक बैंक क्या होती है, आप इसको पढ़ेंगे, और आधुनिक अर्थ कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व क्या होता है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों के महत्व को याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नीचे जाइए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है देखो, स्वर्ण बिंदु से क्या अभिप्राय है, मतलब कि स्वर्ण बिंदु की परिभाषा, स्वर्ण बिंदु किसे कहते हैं वो आप पढ़ेंगे। और यहां बोला गया है निर्णय जो निर्णय सॉरी विनिमय है, यहाँ देखो विनिमय दर क्या होती है ये पढ़ेंगे, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे। बस इतना क्वेश्चन देखना है, 2022 में आने वाले क्वेश्चन थे ये, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस बढ़े आराम से लेकर आओगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ से बाहर कुछ और नहीं पढ़ना है, यही पढ़ना है, और आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन यही छपेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके।